Assalamu alaikum viewers, I hope you are quite safe and sound at your home. Today we will talk about commutator algebra. So without wasting your time, let's start our lecture. If n b are two operator, then how we can solve the commutation of both of these operator? अगर हमारे पास दो operator हों a और b operator, then हम इनका commutation कैसे solve करेंगे? हम क्या करते हैं, commutation को solve करने के लिए दो ऑपरेटर लेते हैं, इनको रिप्रेजेंट करवाते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में. दिस विल डिनोट द कम्यूटेशन विच आर इक्वल टू ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर. ये बेसिकली फार्मूला है दो ऑपरेटर की कम्यूटेशन को सॉल्व करने का. अगर तो ये ऑपरेटर इक्वल टू जीरो आंसर दे देते हैं, देन दे विल बी कम्यूट विद ईच अदर. अगर इनका आंसर जीरो के अलावा कोई आंसर आता है, देन दे विल नेवर बी कम्यूट विद ईच अदर. Here we take an example. Now, in order to solve the commutation of position and linear momentum operator, we have a solution of both of these operator here. We use a psi of x function to solve this commutation. मैंने क्या किया है कि दोनों sides पे psi of x function को multiply करवा दिया है. जो formula हमने ऊपर पढ़ा था वही उसी को use किया है इधर, कि x operator कोमा पी एक्स ऑपरेटर इंटू साई ऑफ एक्स फंक्शन इज द कम्यूटेशन और विच इज इक्वल टू एक्स ऑपरेटर इंटू पी एक्स ऑपरेटर माइनस पी एक्स ऑपरेटर इंटू एक्स ऑपरेटर एंड साई ऑफ एक्स फंक्शन विच वी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड. एंड आपको पता है जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा एज कट डेल के इक्वल होता है. और डेल की वैल्यू जो है हमारे पास वेरी करती है. अगर टू डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो इसकी टू वैल्यूज होंगी, अगर थ्री डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो इसकी थ्री वैल्यूज होंगी. तो यहाँ पे जस्ट हम जो डेल का इसका एक्स कंपोनेंट जस्ट लेंगे डेल का, वो क्या आएगा हमारे पास, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स. तो माइनस आयोटा एच कट पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स क्या होगा, हमारे पास लीनियर मोमेंटम आ जाएगा. तो हमारे पास एक्स ऑपरेटर एज इट इज रहा और बी एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एक्स ऑपरेटर एंड साई ऑफ एक्स फंक्शन विच वी मल्टीप्लाइड अबव एंड माइनस आयोटा एच कट. अब हमने क्या किया है कि जो साई ऑफ एक्स फंक्शन था उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है. वो जो माइनस आयोटा एच कट था उसको बोथ वैल्यूज में क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था. तो उसे हमने क्या किया है, बाहर कॉमन ले लिया है. तो जो हमारे पास पीछे वैल्यूज बची हैं वो हैं एक्स ऑपरेटर पार्शियल साई ऑफ एक्स ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू एक्स ऑपरेटर साई ऑफ एक्स फंक्शन. अब इधर आप देख रहे हैं कि जो एक्स ऑपरेटर और साई ऑफ एक्स फंक्शन है बोथ डिपेंड कर रहे हैं एक्स के ऊपर. तो इसके ऊपर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव भी तो लेना है, ऐसे तो सॉल्व ही नहीं होंगे. हम क्या करेंगे, इधर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि बोथ वैल्यू डिपेंड कर रही हैं एक्स के ऊपर. तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स ऑपरेटर एज इट इज़ रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड सेकंड का डेरिवेटिव लिया हमने, पार्शियल डेरिवेटिव लिया. फिर हमने क्या किया, सेकंड को एज इट इज़ रहने दिया और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव लिया. तो जब हम इसका ये एज इट इज़ वैल्यू फर्स्ट वाली जो है वो एज इट इज़ रहेगी, फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो थर्ड वाली है माइनस साई ऑफ एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू एक्स ऑपरेटर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पार्शियल डेरिवेटिव जब एक्स का लेंगे वो हमारे पास वन आ जाएगा. तो यहाँ पे वन आ गया, वो जो साई ऑफ एक्स बचा माइनस साइन के साथ वो बाहर वाले माइनस के से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है वो है आयोटा एज कट साई ऑफ एक्स फंक्शन. अब हमने जो मल्टीप्लाई करवाया था ऊपर फंक्शन को उसको हमने क्या करना है, बोथ साइड से हटा देना है. तो बाई ड्रॉपिंग साई ऑफ एक्स फंक्शन ऑन बोथ साइड वी हैव अ वैल्यू ऑफ पोजिशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर इज आयोटा इज कट. ये आ गया इसका कम्यूटेशन.